हेलो साथियों, नमस्ते। सज्जन फूड जर्नी में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी लेकर के आए हैं, पम्पकिन की टिक्की। कद्दू की टिक्की बनाएंगे हम आज, और बहुत अच्छी बनेगी, बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। तो चलिए आपको बना के दिखाते हैं और उसके बाद खाते हैं, बताते हैं आपको कैसी बनती है। ये देखिए, हमने एक ही कद्दू लिया है, कोहड़ा, जिसको कोहड़ा भी बोलते हैं, और ये बहुत अच्छा कोहड़ा है, ताज़ा है, बिल्कुल फ्रेश और छोटा सा है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत मुलायम है ये, और इसकी बहुत अच्छी टिक्की बनेगी। मैं बनाता हूँ। देखिए, इसके लिए देखिए हमने ये प्याज काट लिया है बारीक, दो हमने गांठ ली थी प्याज की, वो काट ली हैं। हरी मिर्च थोड़ी सी हमने काट ली है, थोड़ा सा धनिया काट लिया है। इसको बनाने के लिए देखिए हमने थोड़ा सा बेसन लिया है और एक कॉर्नफ्लोर लिया है हमने। यहाँ पे चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने कॉर्नफ्लोर लिया है। बहुत अच्छा इसकी क्रिस्पी बनेगी, बहुत अच्छी टिक्की बनेगी इसकी। इनका दोनों का इसमें इस्तेमाल करेंगे। अब सबसे पहले देखिए, जो हमने कद्दू लिया है इसको थोड़ा सा तोड़ लिया है। इसको हमारे इधर चाकू से ऐसे नहीं काटते हैं, देखिए, तोड़ के उसके बाद में काटते हैं। ये देखिए, बहुत ही मुलायम, बहुत सॉफ्ट है कद्दू, बहुत बढ़िया है, और इसकी बहुत अच्छी टिक्की बनेगी। इसको देखिए इस तरीके से काट लेंगे, और उसके बाद में इसको साथ में कद्दूकस करेंगे हम। कद्दूकस करेंगे तब इसकी टिक्की बनाएंगे। पहले इसके बीजे निकाल देंगे बीज से, देखिए इस तरीके से, और ये मोटा वाला जो छेद है कद्दू कस में, मीडियम साइज़ वाला, उससे कद्दू कस करेंगे। ये देखिए बहुत ही मुलायम है, और इसका छिक्कल देखिए हमने नहीं हटाया है कद्दू का, छिक्कल सहित इसको कद्दू कस कर रहे हैं, बहुत मुलायम कद्दू है। इस तरीके से देखिए इसको कद्दू कस कर लेंगे फटाफट। अब कद्दूकस करने के बाद इसमें जो है उसको मैं बताऊंगा, इसमें पानी रहता है ना ज़्यादा, वो निकालना होता, तो उसको आप या तो एक कपड़े में लपेट के निकाल लीजिए, या फिर हाथ से कस के दबा दीजिए और वो निकल जाएगा। अभी आपको बताता हूँ। ये देखिए सारा हमने कद्दूकस कर लिया है कद्दू को, और बहुत अच्छा कद्दूकस हुआ है, और इसका रंग बहुत प्यारा आ रहा है, बहुत अच्छा कलर आ रहा है। साथ में इसकी टिक्की बहुत ज़बरदस्त बनेगी, बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी, अभी आप देखिएगा। और इसको बनाना बहुत आसान। अब ये देखिए इसमें पानी रहता है, इसको ऐसे हाथ से निचोड़ देंगे और इसका सारा पानी निकल जाएगा, ताकि टिक्की बढ़िया बने, कुरकुरी बने। अब इसमें देखिए कॉर्नफ्लोर जो हमने लिया था वो इसमें हम डाल देंगे पाउडर, और बेसन जो लिया था वो इसमें डाल देंगे, अब इसमें जो है कुछ सूखे मसाले डालेंगे, जैसे अजवाइन है, थोड़ा सा जीरा पाउडर है, थोड़ा सा मसाला इसमें डाल देंगे गरम मसाला हम, और इसमें जो है मतलब थोड़ी सी खटाई डालेंगे, पिसी हुई खटाई हमने इस्तेमाल की है, और देखिए जो प्याज और हरी मिर्च काट के रखी थी वो भी इसमें डाल दी है, धनिया भी डाल देंगे, थोड़ी सी हींग का भी इसमें हम इस्तेमाल करेंगे, हींग भी डालेंगे, बहुत अच्छी खुशबू आएगी। देखिए हींग डाल दी है, और नमक स्वादानुसार डालेंगे, और ये सब सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर देंगे अच्छे से। इसका बिल्कुल आटे की तरीके से थोड़ा सा आप मिक्स करते रहेंगे तो बहुत बढ़िया ये मिक्स हो जाएगा उसमें सब, और बिल्कुल आटे की तरीके से तैयार हो जाएगा। ये देखिए मिक्स करते रहे और ये सब बिल्कुल तैयार हो गया। अब इसकी जो हम टिक्की बनाएंगे, टिक्की कैसे बनाते हैं अभी आपको बताते हैं। सबसे पहले तो जब तक हम ये रख देंगे कढ़ाई, उस पर पैन रख देंगे हम गैस पे, इसको गर्म होने देंगे, और इसमें जो है हम ऑयल डाल देंगे, रिफाइंड ऑयल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें पकाएंगे ये टिक्की। तब तक ये तेल गर्म होगा और इधर इसकी हम टिक्की बना करके तैयार कर लेंगे। ये देखिए टिक्की, आप जिस साइज़ में चाहें, छोटी या बड़ी जैसी चाहते हो उस तरीके से इसकी टिक्की बना लें, और उसके बाद में उसी तेल में इनको पकाना है। अभी आपको दिखाते हैं कैसे पकाना है टिक्की बना करके। उसके बाद साथियों, ब्रेड का बुरादा हमारे पास है, ब्रेड लाते हैं, उसके साइड की कटिंग कर लेते हैं, तो रखता है वो बुरादा है, और ये मार्केट में मिलता भी है, ब्रेड का बुरादा जो है इस्तेमाल करें, टिक्की पे लगाएंगे तो और कुरकुरापन इसमें बढ़िया आएगा, ज़बरदस्त टिक्की में। इस तरीके से धीरे से हाथ से जो है इसमें लगा देंगे। ये देखिए
ये, और सारी टिक्की बना करके तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमने टिक्की बना करके तैयार कर ली। जब तक इधर टिक्की बनाई तब तक उधर तेल हमने पैन में रखा था वो जो है गर्म हो गया है। अब ये देखिए इसमें अब हम पकाना शुरू कर देंगे टिक्की। एक एक टिक्की डालेंगे इसमें धीरे से और धीमी आँच पर इसको पकाएंगे, बहुत तेज आँच नहीं रखेंगे, गैस की फ्लेम कम कर देंगे, धीमी आँच पर ही पकाना है। ये देखिए आप कह रहे होंगे बताइए कद्दू की टिक्की, अभी तक आलू की टिक्की और सब बनती थी, आज कद्दू की टिक्की बन रही, बहुत अच्छी। लोग ऐसे घर में कोई कद्दू नहीं खाता लेकिन टिक्की अगर आप बना देंगे तो सभी खाएंगे और बहुत अच्छी लगेंगी, बहुत स्वादिष्ट, बहुत पौष्टिक, बहुत बढ़िया बनेगी। देखिए इस तरीके से इनको सेक लेंगे। आप चाहें तो कल कम ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, हमने थोड़ा सा ज़्यादा डाला है इसमें ताकि अच्छे से बढ़िया सा पकें, कुरकुरी पकें। और इनको धीमी आंच पर धीरे 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 पकाएंगे, बहुत बढ़िया पकेंगे और बहुत अच्छी रेसिपी है ये, बहुत आसान है इसको बनाना, आप घर में आसानी से बना सकते हैं। कद्दू आता है कोई खाता नहीं, तो इस तरीके से आप बनाइए तो बढ़िया हो जाएगा, पेट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है कद्दू, आप बनाइए और खाइए। देखिए इनका कलर कितना बढ़िया आ रहा है टिक्की का। इनको इस तरीके से पलट देंगे दूसरी तरफ और इनको पकाएंगे, दूसरी तरफ भी पकाएंगे धीमी आंच पर, धीमे धीमे पकने देंगे ताकि बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी, कुरकुरी, ज़बरदस्त। ये देखिए बिल्कुल धीमी आप आंच पर आप पकने दें, अच्छे से पक जाएंगी ये, बहुत लाजवाब टेस्ट आएगा। और इसको आप हरी चटनी के साथ, टोमेटो सॉस के साथ, दही वही अगर आप पसंद हो तो दही डाल के बढ़िया से बना लें और खाएं, नहीं तो अगर कुछ नहीं तो आप ये ऐसे ही अच्छी लगेंगे, आप चटनी वगैरह के साथ खाइए, बहुत बढ़िया, बहुत कुरकुरी लगेंगे। नाश्ते में आप इस तरीके से खाइए, बहुत चीज़ें ना डाल के ऐसे ही खाइए आप। ये देखिए इनका कलर बहुत बढ़िया, अच्छे से बिल्कुल पका ली हैं इनको हमने, बहुत बढ़िया पकी हैं टिक्की। भैया आपको दिखाते हैं, नज़दीक से दिखाता हूँ मैं आपको कितनी बढ़िया ये टिक्की पकी, बहुत ही लाजवाब। ये देखिए हमने बनाई है, बहुत बढ़िया टिक्की बनी है, सारी पका ली है, चटनी हमने बाटी है, मिर्ची वाली चटनी हमने जो मोमोज के साथ खाते हैं, मोमोज वाली चटनी हमने बनाई है, बहुत बढ़िया इसके साथ लगेगी टिक्की। ये देखिए इनका कलर देखिए, क्रिस्पीपन देखिए टिक्की का, बहुत ही क्रिस्पी बने, चटनी भी हमारी लाजवाब बनी है और टिक्की भी बहुत ही लाजवाब बनी है। हम इसी के साथ खाएंगे, हम दही वगैरह नहीं इस्तेमाल करेंगे, ऐसे ही बहुत अच्छी लगेंगे। तो साथियों ये पम्पकिन कोहड़ा कद्दू की टिक्की बन करके तैयार हुई हैं। अगर आपको मेरा बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और साथियों अगर चैनल पर नए हों तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।